दोस्तों इधर देखो किस तरह से लोग झुंड बना के खड़ी हुई हैं। ये लड़कियां, ये औरतें इसी तरह से पूरे रोड पे ना झुंड बना के खड़ी रहती हैं, और हर तरफ आपको यहाँ पर यही औरतें नज़र आएंगी भाई। ये पूरा का पूरा इलाका ही ना रेड लाइट एरिया है भाई, कमाठीपुरा का सबसे फेमस एरिया। देखो किस तरह से दरवाजे के पास खड़ी हैं, गाड़ी के पास खड़ी हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को मुंबई के कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि मुंबई के कमाठीपुरा में जहाँ पर ग्रांट रोड है, जहाँ पर मुंबई का चोर बाजार लगता है, वहाँ पर किस तरह से जिस्मों के काले धंधे किए जाते हैं, किस तरह से लोगों को फंसाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग कभी भी मुंबई के कमाठीपुरा में जाते हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और बहला फुसला कर आपको ले जाएंगे। उसके बाद आपके सामानों को भी वो लोग छीना झपटी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार चोर मार्केट गए हैं तो हम लोगों ने जानकारी वहाँ पे मतलब जो भी मिली है यही जानकारी मिली है। तो किस तरह से दिखाएंगे कि वहाँ पे जिस्मों के काले धंधे किए जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम आपको मुंबई के कमाठीपुरा का यानी कि रेड लाइट एरिया का पूरा नज़ारा दिखा सके कि किस तरह से वहाँ पर लेडीज़ लोग खड़ी रहती हैं सड़कों के किनारे, किस तरह से वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। पुलिस होने के बावजूद भी ये काले धंधे होते हैं। कहा जाता है कि जितने भी लोग मुंबई के कमाठीपुरा में रहते हैं वहाँ के लोगों को लाइसेंस मिला रहता है। तो आइए देखते हैं मुंबई के कमाठीपुरा यानी कि रेड लाइट एरिया का पूरा नज़ारा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों फाइनली मैं मुंबई के ग्रांट रोड कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में आ चुका हूँ, और इस वीडियो में आपको रेड लाइट एरिया का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इस्मों के काले धंधे होते हैं। और ये जो आप लोग पूरा एरिया देख रहे हो, ये मुंबई का ग्रांट रोड रेड लाइट एरिया है। देखो एक औरत वहाँ पे बैठी हुई है, और यहीं से आप लोग नज़ारा देखिएगा, आपको हर तरफ औरतें बैठी हुई खड़ी हुई नज़र आएंगी। यहाँ से स्टार्टिंग है, ये देखो स्कूटी के पास देखो यहाँ पर लोग खड़ी हुई हैं भाई। ये देखो ये सब लोग ना अपने पास बुलाती हैं। इधर देखो कितने लोग खड़े हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, ऐसे इन लोगों की प्राइस होती है, और भोले भाले इंसान को ये लोग अपने झांसे में फंसा लेती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हर गली में इसी तरह की औरतें खड़ी हुई लड़कियाँ मिलेंगी, और इधर ना दलाल भी रहते हैं, दलाल भी आपके पीछे पड़ जाएंगे भाई। और उसके बाद वो लोग बहला फुसला कर कि 500 में ऐसी सर्विस देंगे, ऐसे करवाएंगे, तो उनके झांसे में आप बिल्कुल मत आइएगा। इधर भी देखो कुछ लोग बैठी हैं, कुछ लोग खड़ी हैं। दोस्तों ये कमाठीपुरा यानी ग्रांट रोड का ये वेश्यावृत्ति वाली जगह कैसे बनी, आपको हम बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट कहती है कि कमाठीपुरा को ना 2 साल पहले बसाया गया था, और अब यहाँ पे ये बहुत ही तगड़ा वाला रेड लाइट एरिया बन चुका है। इधर देखो कितनी ज़्यादा औरतें और लेडीज़ लोग खड़ी हैं भाई, हर दुकानों के सामने यहाँ पर यही चलता है। आपको बता दें 200 साल पहले यहाँ पर ना पिछड़ी और मजदूर तेलुगु भाषी श्रमिकों का घर हुआ करता था, जिन्हें लोग कमाठी कहते थे, लेकिन आज ये कमाठीपुरा के नाम से और रेड लाइट एरिया के नाम से घोषित है। ये देखो इधर भी लड़कियां औरतें खड़ी हैं, इधर भी खड़ी हैं भाई। हम काफ़ी रिस्क लेके ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया का नज़ारा दिखा पाएँ कि वहाँ जिस्मों के काले धंधे कैसे किए जाते हैं। तो ये लोग सुबह से पूरा रात तक इसी तरह से खड़ी रहती हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं भाई। तो कभी भी अगर आप लोग रेड लाइट एरिया आइए तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे ये स्थित है, ये देखो इधर गाड़ी के पास भी खड़ी हैं। दोस्तों कमाठीपुरा ना रोजगार का गढ़ भी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह भी होते हैं, बिजनेस वगैरह भी, लेकिन ये वेश्यावृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आपको बता दें कि ग्रांट रोड का चोर मार्केट यहीं पर लगता है, लेकिन ये देखो मैं आज की इस वीडियो में आपको रेड लाइट एरिया का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो भाई कितनी ज़्यादा लड़कियाँ औरतें हैं। ये मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा ग्रांट रोड का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में ना एक कमरे में 4 से 6 सेक्स वर्कर रहती हैं। इसके लिए वो हर एक सेक्स वर्कर से 5500 से 7500 रुपये, किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये वसूलती हैं। मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया को ना लाइसेंस भी मिल चुका है, इसलिए पूरा खुलेआम यहाँ पर ये काम होते हैं। यहाँ पुलिस भी रहती है, लेकिन इन लोगों को भाई अब लाइसेंस मिल चुका है, इसकी वजह से इन लोगों को अब कोई डर नहीं है। Thank you.
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही रिस्क के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये रेड लाइट एरिया ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका नाम है कमाठीपुरा। और यहाँ पे 5 से 6 गली है ऐसी जिसमें यही काम होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।